हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाउ वी आर कंटिन्यूइंग द चैप्टर व्हिच इज एरिया बाउंडेड बाय कर्व। इन द लास्ट 7 and 8 लेक्चर्स वी हैव डिस्कस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स। इन दोज लेक्चर्स वी हैव ऑल्सो डिस्कस द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन as well as the area of the region which are provided in the question. And you are thinking that what is new in this, what will be the new in this lecture? There is no new, but we are going to discuss some more interesting and more typical problems. होता क्या है कि शुरू शुरू में जब आप छोटा छोटा सवाल बनाते हैं तो खैर, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग करते हैं कोई भी चैप्टर का तो शुरू में छोटा छोटा सवाल और बेसिक क्वेश्चंस ही बनाए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चंस बनाते जाते हो तो आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है और आप चाहते हैं कि नहीं, इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल आ जाए तो क्या हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड सवाल आपके सामने रखता हूँ, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो भी मतलब फाइंड आउट करना है एरिया वो मैं करूँगा। तो आपके सामने एक क्वेश्चन रखा हुआ है, अगर आप फाइंड द एरिया ऑफ द कॉमन फाइंड द एरिया कॉमन टू द पैराबोलास, मतलब दो पैराबोला प्रोवाइड किया हुआ है और उन दोनों पैराबोला में जो भी कॉमन रीजन होंगे उसका हमको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हैं दोनों पैराबोला ही है, लेकिन दोनों मैंने पैराबोला को बढ़िया से सजा दिया है। एक पैराबोला है वाई इज इक्वल टू 5x² और दूसरा पैराबोला है वाई इज इक्वल टू 9 + 2x² ये पैराबोला ऑरिजिन से पास करेगा तो दूसरा पैराबोला आप देख सकते हैं ऑरिजिन से पास करता है, और जो दूसरा पैराबोला है ऑब्वियसली वो 9 यूनिट अप है क्योंकि 9 + 2x² है, तो 9 यूनिट ऊपर, और ये पैराबोला का जो कर्व है वो ज़्यादा फ्लैट होगा जो इस कर्व को दो जगह कट करेगा। देखिए यहाँ पे अब अगर आप फिगर देख रहे होंगे तो आपको सिमेट्रिसिटी समझ में आ रहा होगा, ये दोनों ही कर्व y एक्सिस के बारे में सिमेट्रिक है क्योंकि बताया गया था कि x की जगह में -x रखते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता है तो वो y एक्सिस के बारे में सिमेट्रिक होगा। कहने का मतलब अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लें इस रीजन का और अगर हम दोगुना कर दें तो ये पूरे के पूरे साइड रीजन का एरिया निकल जाएगा, क्लियर। तो उसी वही इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, क्या किया कि 2 times of, अब एक बात और, हमको इंटीग्रेट करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेकिन बाउंड्री लाइन पता होना चाहिए, एक बाउंड्री पता है x इज इक्वल टू, ये बाउंड्री नहीं पता, मतलब यहाँ पे दोनों कर्व जो इंटरसेक्शन कर रहे हैं पॉइंट अगर हम पता कर जाए तो हमको ये पता चल जाएगा कि फाइनल जो अपर लिमिट होगा वो कितना होगा। तो इसलिए मैंने एक नंबर और दो नंबर को सॉल्व किया और x का वैल्यू आया +-√3, इसका मतलब 100% है ये जो लाइन होगा वो x इक्वल टू रूट थ्री, मतलब जो इंटीग्रेशन का अपर लिमिट है वो हमको पता हो गया। तो हो गया 2 times of 0 to √3 अपर कर्व, अपर कर्व कौन, वही वाला पार्ट, तो 9 + 2x² माइनस लोअर कर्व मतलब y की जगह में 5x², कैलकुलेट किए इतना आया, इंटीग्रेट कर दिए और फिर लिमिट लगा दिए, कैलकुलेशन करने के बाद फाइनल जो आंसर आता है वो आता है 12√3² ठीक है। तो ये एक सवाल था जो कि आपके सामने मैंने रखा, ये दोनों पैराबोला से ही रिलेटेड रीजन है, दोनों से बाउंडेड रीजन है, इसका मैंने फाइंड आउट किया। एरिया में सिमेट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा यूज होता है, ये आप फील कर रहे हो इस क्वेश्चन में, देखिए मैंने सिमेट्रिसिटी का यूज किया। अब एक सवाल और देख सकते हैं, हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस एंड एक्स एक्सिस। आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ट्रेसिंग ऑफ ए जनरल कर्व, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि अभी इससे पहले जितना सारा भी क्वेश्चन हमने बनाया उसमें जनरल कर्व नहीं आया था, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जनरल कर्व से भी रिलेटेड क्वेश्चन बनाए और आपके सामने मैंने क्वेश्चन रखा है, आप देख सकते हो y इज इक्वल टू x(x-1)(x-2), दिस इज द जनरल कर्व एंड एक्स एक्सिस। करते क्या है कि जो भी कर्व है उसको लिखिए, इसको फैक्टराइज किए फाइनली, मतलब सॉरी फैक्टराइज किया हुआ है, मल्टीप्लाई की तो आया x³ - 3x² + 2x, ठीक है। हमको पता है कि x एक्सिस पर का पॉइंट हो जाएगा 0, 0, 1, 2, दिख रहा होगा आपको 0, 1, 2, 0, 1, 2 बाद में मैंने ट्रेस किया। उसके बाद y एक्सिस में x0 तो ऑरिजिन से पास करा, y एक्सिस में एक ही पॉइंट होगा वो है 0, 0। उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट किए तो हो गया 3x² - 6x + 2, और फिर dy/dx का साइन स्कीम इसलिए भी निकालना है क्योंकि हमको पता करना है इसका मोनोटोनिक नेचर कि कहाँ ग्राफ इंक्रीजिंग और कहाँ डिक्रीजिंग होता है। तो इसको क्या किए, इसको सबसे पहले इतना बराबर 0 लिए, तो एक्स का वैल्यू जब कैलकुलेट किए तो आया 1 + -√3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता ही होगा आपको, सॉल्यूशन निकालने का तरीका है, श्री धाराचार्ज मेथड मैंने लगा दिया है, क्लियर। चलिए
अब क्या करते हैं, एक मिनट, तो अब क्या करते हैं, जो रूट्स आया हुआ है 1 ± √3, ठीक है। तो यहां मैंने क्या किया, एक रियल नंबर लाइन खींचा, क्योंकि हमको साइन स्कीम देखना है डी बाई डीएक्स का, माइनस मिनट से प्लस मिनट, यहाँ हो गया 1 ± √3, यहाँ हो गया 1 + √3, क्लियर है। अब क्या करते हैं इसको, देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन पॉजिटिव, तो रूट्स गिविंग में नेगेटिव, दोनों तरफ पॉजिटिव साइन, मतलब पॉजिटिव है मीन्स इंक्रीज करेगा और यहाँ पर मैक्सिमम अटेंड करेगा, फिर माइनस है तो डिक्रीज किया, और डिक्रीज करके 1 + 1/√3 पे मिनिमम अटेंड करेगा, फिर पॉजिटिव साइन है तो फिर यहाँ से इंक्रीज करेगा, इतना हो गया। अब हम लोग ग्राफ ट्रेस करते हैं, ग्राफ क्या होगा, और जी ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, हमको पता है ये जो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट करेगा, एक 1 पे, एक 0 पे, एक 2 पे, तो एक 0 पर, एक 1 पे, एक 2 पे, लिख दिए 1 - 1/√3 से पहले ग्राफ आपका इंक्रीजिंग है, देखो इससे पहले ग्राफ पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्लियर है कि 0 से इंक्रीजिंग, देखो 0 से पास किया, 0 से तो पास कर रहे हैं, तो ग्राफ इंक्रीजिंग, फिर यहाँ पे मैक्सिमम अटेंड करेगा, फिर घटते घटते 1 से पास करेगा, फिर 1 प्लस, यहाँ पर जो होगा 1 + 1/√3 पे मिनिमम हो जाएगा, फिर वहाँ के बाद ग्राफ को इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज करते हुए 2 से पास करते हुए आगे बढ़ जाएगा। तो अभी बताइए जो रीजन होगा जिसका हमको एरिया फाइंड आउट करना, तो ये ना होगा ये कर्व और एक्स एक्सिस, आप देख रहे हैं 2 रीजन आ रहा है, ठीक है। एक बार 0 से 1 तक इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि कर्व जो है ऊपर, उस केस में ऊपर है, पॉजिटिव है, और दूसरी बार हमको 1 से 2 तक इंटीग्रेट करेंगे, उस कर्व में, उस केस में कर्व मेरा क्या है, नीचे, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहले से भी जानते हैं, यहाँ तक हमको पता है क्योंकि हम लोग को जनरल कर्व को ट्रेस करने आता है, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमको एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हम इसका एरिया निकालते हैं, मतलब आप सीधा सीधी बात है, इसका इंटीग्रेशन करना है। चलिए इसके बाद हम तो क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं उस रीजन का जो कि इस कर्व से बाउंडेड है और एक्स एक्सिस है, और लिमिट अल्टीमेटली 0 से 2 तक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन ओवर 0 to 2 एफ एक्स जो भी है उसका मॉड dx। लेकिन हमको पता है ये ग्राफ जो है 0 से 1 तक पॉजिटिव और 1 से 2 तक निगेटिव है, इसका मतलब ये इंटीग्रल 2 पार्ट में टूट जाएगा, एक 0 से 1 प्लस एक 1 से 2। 0 से 1 वाला पार्ट में पॉजिटिव आया, बट 1 से 2 वाला पार्ट में निगेटिव आया, जैसे ही मॉड हटाया माइनस आ गया, उसके बाद इंटीग्रेट कर दिए और लिमिट सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेशन किए, तो हाफ स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आ रहा है, मतलब जो एरिया होगा वो हो जाएगा हाफ ऑफ स्क्वायर यूनिट, क्लियर। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया जो कि जनरल कर्व से रिलेटेड, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इससे रिलेटेड, एरिया से रिलेटेड, और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे पास। हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं एक से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँगा, उसी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ये भी है, कह रहा है कि फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स y इज इक्वल टू 4x - 2x⁴ -x² x-axis एंड द ऑर्डिनेट ऑफ 2 मिनिमा ऑफ द कर्व, ठीक है। ये जो कर्व है, इस कर्व में जो भी मिनिमा होगा, 2 मिनिमा, उसका ऑर्डिनेट मतलब y इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, जो ऑर्डिनेट होगा वो ऑर्डिनेट और x एक्सिस और ये कर्व से जो भी रीजन हमको मिलेंगे, उस रीजन का हमको एरिया फाइंड आउट करना है। तो बेस यहाँ जो मेन मकसद है वो फिगर पता करना है, कि वो रीजन पता करना है जिसका हमको एरिया निकालना है। सबसे पहले हमको दिखाई पड़ रहा है ये जनरल टाइप का कर्व है, यहाँ से x² कॉमन आ गया तो बचा 2x² - 1। अगर हमको पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस पता करना है तो वाई डॉट जीरो रखेंगे तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 0, 0, और यहाँ हो जाएगा एक्स का वैल्यू +-1/√2, क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद डी बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हो जाएगा 8x³ - 2x, यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2x - 4x² - 1। जब मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे मतलब क्रिटिकल पॉइंट, तो डी बाई डी एक्स 0 करेंगे तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 0 और एक्स का वैल्यू हो जाएगा +-1/2। उसके बाद क्या करेंगे, साइन स्कीम खींचते हैं, किसका साइन स्कीम लेते हैं, तो डी बाई डी एक्स का, डी बाई डी एक्स का साइन स्कीम लेंगे तो रूट्स हो गया 0 और एक +-1/2, तो ये हो गया 0 और ये हो गया -1/2, ये हो गया +1/2,
ठीक है, कहीं भी एक जगह चेकआउट कर लो, ऐसा काम करता है थ्री पे चेक करता है, जैसे ही थ्री पे चेक करेंगे आपको दिखाई पड़ रहा है ये पॉजिटिव हो जाएगा, थ्री जो है हाफ से आगे आया, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो आप, ठीक है, ये चेक, ये दिख रहा है हाफ से आगे पॉजिटिव हो गया, उससे पहले नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, क्योंकि कोई भी रूट रिपीट नहीं कर रहा तो अल्टरनेट साइन होना है। चलिए नेगेटिव है इसका मतलब डिक्रीजिंग है, तो ग्राफ डिक्रीजिंग, यहाँ मिनिमम अटेंड करके फिर इंक्रीजिंग, फिर इसके बाद फिर यहाँ डिक्रीजिंग, फिर यहाँ, मतलब दो जगह मिनिमम अटेंड किया, तो मिनिमम जो होगा वो हो गया माइनस हाफ पे और प्लस हाफ पे, मतलब यहीं यहीं पर जो मिनिमम होगा उसका ऑर्डिनेट लेना है, जो कि आपको फिगर में दिखाई पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये जनरल कर्व को जैसे आप ट्रेस आउट करते हैं वैसे ट्रेस कीजिए, मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि कैसे हम लोग जनरल कर्व को ट्रेस करते हैं। आगे आते हैं, आप देख सकते हो इधर, ये कर्व मैंने ट्रेस किया यहां पे, ठीक है, पहले भी देख चुके हैं, इस पॉइंट से पहले डिक्रीजिंग था तो ग्राफ डिक्रीजिंग करेगा, माइनस वन बाय रूट टू से पास करेगा, क्योंकि वन बाय रूट टू इसका रूट था, वन बाय रूट टू से पास किया, हाफ पे मिनिमम अटेम्प्ट किया, और फिर मिनिमम अटेम्प्ट करने के बाद फिर यहाँ से इंक्रीजिंग, फिर जीरो पर क्योंकि टच करना, जीरो के बाद जस्ट निगेटिव है तो जीरो के बाद फिर घटना, ऊपर तो जा नहीं सकता है, फिर यहाँ से घटेगा, घटते हुए फिर हाफ पर, ये माइनस हाफ है, हाफ पर फिर मिनिमम अटेम्प्ट किया, और फिर उसके बाद इंक्रीजिंग कर, इंक्रीज करते हुए वन बाय रूट टू से होकर पास कर जाएगा। तो ये हुआ एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हुआ आपका कर्व, और ये हुआ ऑर्डिनेट, ये देख रहे हो, ये मिनिमम मिनिमम ऑर्डिनेट, एक माइनस हाफ एक प्लस, तो ये आपके रीजन देख रहे हैं, यही रीजन आपका क्या है जिसका हमको एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, दिस इज द रीजन विच एरिया इज टू बी फाइंड आउट। आप देख सकते हो सिमेट्रिक सिटी लग रहा है, जितना इधर उतना इधर, तो क्यों ना हम एक पार्ट का एरिया निकाल के दोगुना कर दें, तो हम किस पार्ट का एरिया निकाल के दोगुना करने जाते हैं, तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे जीरो से लेकर के हाफ तक, जीरो से लेकर के हाफ तक, मॉड ले लिए, ये कर्व आपको पता है 2x टू दी पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 4, आपको ऐसे ही दिख रहा है कि कर्व जो है वो x के नीचे है, तो जैसे ही मॉड हटाएंगे माइनस साइन बन जाएगा, तो जैसे ही माइनस लगेगा तो जो माइनस है वो प्लस आ जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस आ जाएगा, और 2 टाइम्स रहेगा रहेगा, इसके बाद इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, लिमिट लगा दीजिए, जब पूरे को कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आता है 7/120 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से हम लोग इस बाउंड्री रीजन, जो भी रीजन आपको हाईलाइट कर रहा था उस रीजन का एरिया फाइंड आउट हो गया, क्लियर, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी तरह से एक और भी क्वेश्चन आपको हम दिखाने जा रहे हैं, इसका एरिया हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ये आप देख सकते हैं एरिया इसका 7/120 आया था, कैलकुलेशन चेक कर लो आप एक बार, हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कह रहा है स्केल द कर्व एंड आइडेंटिफाई द रीजन बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू हाफ, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू log x बेस e एंड 2 इज y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, एक एक्सपोनेंशियल है, एक लॉगरिथम है और दो स्ट्रेट लाइन है, कह रहा है कि ये जो भी रीजन है उसको कर्व, सारे कर्व को स्केच कीजिए और जो भी रीजन आएंगे उसका आपको आइडिया फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन मैंने लिखा और उसके बाद गिवन कर्व्स क्या क्या है, एक y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस e है और एक y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x है, ये दोनों कर्व नॉन कर्व है जिसको हम लोग ट्रेस आउट कर सकते हैं। आपको पता होगा कि ये लॉगरिथम का ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस e, ठीक है, ये x एक्सिस y एक्सिस और ये एक्सपोनेंशियल है 2 टू द पावर x, और यहाँ जो 2 है वो आपका 1 से बड़ा है, इसका मतलब ग्राफ इंक्रीजिंग वाला होगा, ये हमको पता है, तो ये जो है एक्सपोनेंशियल का ग्राफ होगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, ये हमको पता है कहाँ कटता है। चलिए नेक्स्ट, एक लाइन है x इक्वल टू हाफ, ये पता है 1 है तो हाफ जस्ट यहाँ होगा, एक लाइन है x इज इक्वल टू हाफ, ये हो गया x इज इक्वल टू हाफ, क्लियर, और दूसरा लाइन है x इज इक्वल टू 2, अगर ये 1 है तो ये हो जाएगा तुम्हारा x इज इक्वल टू, तो आप ही बताइए वो जो रीजन है वो रीजन क्या होगा, ये वाला रीजन है इसका हमको एरिया फाइंड आउट करना है,
इतना आसान है, देख सकते हैं आप। मतलब अपर कर्व ये हो गया, लोअर कर्व ये हो गया, बाउंड्री लाइन पता है सीधा सीधी बात है। एरिया क्या होगा? रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हाफ से लेकर के टू, हाफ से लेकर के टू, ठीक है। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व दिख रहा है आपको उधर, तो मैं इधर दिखाऊंगा। नहीं इस साइड में कर देता हूं, यहां दिख रहा है देखो, तो यहां हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल इंटीग्रेशन हाफ से लेकर के टू अपर कर्व मतलब टू टू द पावर एक्स माइनस लोअर कर्व लॉग एक्स बेस ई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सीधा सीधी बात। और पोजीशन ऑफ ग्राफ इज सिमेट्रिकल पहले ही बताया था, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा टू टू द पावर एक्स बाई एल एन माइनस लॉग एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, ठीक है ये हो जाएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? हाफ से लेकर के टू, जब टू डालेंगे तो हो जाएगा फोर बाई एल एन टू माइनस टू डालेंगे तो टू एल एन टू हो जाएगा एल एन फोर माइनस टू ये हो जाएगा। और माइनस लोअर डालेंगे तो हो जाएगा रूट एक्स बाई एल एन टू रूट सॉरी रूट टू टू पे पावर हाफ तो रूट टू बाई एल एन टू माइनस हाफ एल एन हाफ मतलब हो जाएगा एल एन टू लेकिन यहाँ हो जाएगा माइनस और माइनस हाफ ये आ गया, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करोगे फाइनली मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा फोर माइनस रूट टू डिवाइडेड बाई लॉग टू बेस ई प्लस फाइव बाई टू लॉग टू सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा और प्लस थ्री बाई टू होगा स्क्वायर यूनिट, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब इसको पूरी तरह से आप क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। तो ये भी बहुत अच्छा सवाल था, कर्व आपको पता है, ये नॉन कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन है, नॉन कर्व पता है, बाउंड्री लाइन दिया हुआ है इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन अभी आपको पता है, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन आपको एज ए रिजल्ट याद रखना है एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स हो जाता है, टू टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा टू टू दी पावर एक्स बाई एल एन टू, उसके बाद क्या करना है अपर लिमिट लोअर लिमिट पता है डाल दीजिए कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। सो सिंपल, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। ये फाइनली आप आंसर देख सकते हो इसका, ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। आप चाहें तो घर में कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका आंसर आया फोर माइनस रूट टू डिवाइडेड बाई लॉग टू बेस ई माइनस फाइव बाई टू लॉग टू प्लस थ्री बाई टू स्क्वायर यूनिट। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है आपका स्केल द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तो पैराबोला है, इसको हम लोग पहले भी ट्रेस आउट किए हैं, तो इसको ट्रेस करना तो बहुत आसान काम है। लेकिन दूसरा जो कर्व आपको दिख रहा है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर्व है, तो ऐसे कर्व को ट्रेस करने का अपना एक रूल होता है, अपना एक तरीका होता है। हम लोग देख सकते हैं ये कर्व को फिलहाल रहने, दूसरा जो कर्व है वाई इज इक्वल टू टू बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें एक्स आपका रियल नंबर है, मतलब डोमेन हम लोग जानते हैं, तो डोमेन के हिसाब से ये रियल नंबर इसका डोमेन होगा। जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा मतलब डिनोमिनेटर का वैल्यू बड़ा होगा तो ये वैल्यू अपने आप छोटा होगा, ठीक है। इसका मतलब मैक्सिमम कब होगा? जब ये डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो जब डिनोमिनेटर छोटा मतलब वन प्लस एक्स स्क्वायर का सबसे छोटा वैल्यू जो एक्स बराबर जीरो पर ही मिलेगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है और परफेक्ट स्क्वायर का सबसे छोटा वैल्यू जीरो होता है। तो हमको वाई मैक्स चाहिए, तो इसका मिनिमम वैल्यू मिलना पड़ेगा जो कि एक्स बराबर जीरो पर ही पॉसिबल है। तो जब एक्स बराबर जीरो रखते हैं तो वाई मैक्स हो जाता है, और हमको अगर इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो वन प्लस एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू मतलब एक्स इन्फिनिटी पर हो, तो जब हम एक्स इन्फिनिटी लेंगे तो इसके इसका लिमिटिंग वैल्यू लेना पड़ेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। तो जब हम इन्फिनिटी डालेंगे तो हो जाएगा समथिंग बाय इन्फिनिटी जीरो, मतलब वाई का मिनिमम वैल्यू हो गया जीरो और वाई का मैक्सिमम वैल्यू हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कर्व को ट्रेस करते हैं, ये दोनों कर्व ट्रेस करते हैं।
ये तो y is equal to x square हो गया, इसलिए जो टेंशन है नहीं, ये y is equal to x square के लिए, this is y is equal to x square. अगर ऐसा गौर कीजिए, इस y इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 है, 2 कहाँ अटेंड हुआ, x का जीरो, इसका मतलब जब 0 है तो उस केस में 2 है, ठीक है. और प्लस माइनस इनफिनिटी पर y का वैल्यू कितना है, टेंस टू, एक्चुअली एग्जैक्टली जीरो नहीं होता है, इट टेंस टू जीरो हो जाता है. तो अगर आप जो प्लस माइनस इनफिनिटी पर टेंस टू जीरो है, इसका मतलब ये है, जब x का वैल्यू, जब x का वैल्यू बढ़ेगा, सॉरी जब x का वैल्यू घटेगा तो ये वैल्यू बढ़ेगा. तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो x का वैल्यू जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो x नेगेटिव छोटा हो जाएगा, और नेगेटिव का से छोटा का स्क्वायर अगर करेंगे तो सबसे पहला काम हम पॉजिटिव की तरफ लेते हैं. जब x का वैल्यू बढ़ेगा तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू बढ़ेगा और 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू घटेगा. इसका मतलब जब हम आगे जाएंगे तो वैल्यू मेरा घटेगा. इसका मतलब क्लियर सी बात है, वैल्यू घटेगा और घट करके इन्फिनिटी को टेंस करेगा जीरो पर. और क्योंकि x बराबर माइनस x रखने पर ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब दिस इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, मतलब जैसा इधर वैसा ही इधर. तो देखते हैं कितना सिमेट्रिसिटी का यूज हो रहा है. अब बताइए इस रीजन और ये रीजन से जो आया यही बना था पार्ट है. तो आप देखो y एक्सिस के बाद में सिमेट्रिक है, तो क्यों ना हम यहां से यहां तक इंटीग्रेट करके दुगना कर दें तो एरिया निकल जाए. लेकिन उसके लिए हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब हमको ये पॉइंट निकालना पड़ेगा. जब तक ये पॉइंट निकालेंगे नहीं तब तक मेरा सवाल बनेगा नहीं. तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है. यहाँ लिखेंगे एक नंबर, ये हो गया एक नंबर, ये हो गया दो, दोनों को सॉल्व करते हैं. ऑन सॉल्विंग 1 and 2, दोनों को सॉल्व करो. जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर. क्लियर, तो हो जाएगा x to the power 4 plus x square is equal to 2, मतलब x to the power 4 plus x square minus 2 is equal to 0, है ना. और चलिए तो x का वैल्यू 1 पर भी आ रहा है, देख लेते हैं. x का स्क्वायर x to the power 4 plus 2x square minus x square minus 2 is equal to 0, यहां से हो जाएगा x का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0. ये टर्म तो 0 होगा नहीं, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, देयरफॉर एक्स बराबर प्लस माइनस 100%, ये जो हो जाएगा एक्स बराबर 1 हो गया. क्लियर, अब आपका रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगा. रिक्वायर्ड एरिया कितना है, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो 0 से लेकर के 1 तक, और 2 टाइम्स 0 से लेकर के 1, अपर कर्व वाला है ये वाला पार्ट हो जाएगा 2 by 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस लोअर कर्व कौन दिख रहा है, ये एक्स स्क्वायर, ठीक है. और फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो सीधा सीधी बात है 2 और ये हो जाएगा 2 बाहर और ये हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब बाई 3 और लिमिट 0 से लेकर के 1, ठीक है. 2 टाइम्स 10 वर्स 1 हो जाएगा 5 by 4 माइनस 1 by 3 और बाकी 0 पर 0, तो अल्टीमेटली हो जाएगा पाई माइनस 2 by 3 स्क्वायर लिमिट. आई होप कितना ही आंसर होना चाहिए, पाई माइनस 2 by 3 स्क्वायर लिमिट दिख रहा है आपको, दिख रहा है. अब इधर देख सकते हो, कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया कि सबसे पहले वो पॉइंट फाइंड आउट करना था ना, तो पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, सॉल्व किया दोनों को, तो एक्स का वैल्यू 1 आएगा, माइनस 1 आएगा, दिख रहा है आपको. हमको राइट हैंड साइड का चाहिए, ठीक है, तो राइट हैंड साइड में 1 हो गया. तो इसका मतलब इंटीग्रेट करना है तो क्या करेंगे, 2 टाइम्स सिमेट्रिसिटी है, 0 से लेकर के 1 तक इंटीग्रेट करेंगे, 2 upon 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो टेन वर्स वाला फॉर्मूला हो गया, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा. फिर अपर कर माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट दिख रहा है आपको 0 से 1 डाल दिए, कैलकुलेट किए, आंसर आ गया. तो आंसर आ गया फाइनली पाई माइनस 2 by 3, ठीक है. तो कोई बात नहीं है, मेन इसमें क्या था कि वो जो y इज इक्वल टू 2 upon 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, उसको ही स्केच करना थोड़ा टफ काम था, उसको स्केच कर लिए, काम खत्म, ठीक है, बाय.